भारत का उत्तर पूर्वी भाग जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। सात बहनों के नाम से भी प्रसिद्ध यहाँ के सात राज्यों की अलग अलग खूबियां हैं, जिनकी वजह से ये भारत के इतिहास और संस्कृति में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हम लोग इन्हीं सात बहनों में से एक राज्य मिजोरम राज्य की कुछ दिलचस्प जानकारियों को जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। मिजोरम राज्य का नाम अपने मूल जनजाति मिजो के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिजोरम नाम का मतलब ही होता है पहाड़ों की भूमि। मिजोरम पहले असम राज्य का जिला था, लेकिन फरवरी 1987 में इसे असम से अलग करके भारत के 23वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। मिजोरम राज्य पर्यटन की दृष्टि से भी काफी शानदार जगह है। प्रकृति का आनंद लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं। मिजोरम की कला और संस्कृति का सही नमूना यहां के दर्शनीय स्थलों पर घूमने के बाद ही पता चलता है। मिजोरम में कई ऐसे जगह हैं जहां पर घूमने के बाद आपको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। अगर दोस्तों हम लोग मिजोरम राज्य की भाषा की बात करें तो यहां का मुख्य भाषा मिजो है। मिजोरम में अधिकतर मिजो जाति के लोग निवास करते हैं, इसीलिए मिजो यहां की स्थानीय भाषा बन गई है। हालांकि समय के साथ अब बहुत विकास होने के कारण हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा भी बहुत अधिक मात्रा में यहां बोली जाती है, परंतु मिजोरम के पुराने लोग मिजो के अलावा और कोई ज्यादा भाषा नहीं जानते हैं। मिजोरम के लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार भी कृषि से ही संबंधित हैं। मिजोरम के लोग बहुत ही खुशी और उल्लास से हर त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने के कारण चावल की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। मिजोरम के लोग चावल बहुत पसंद करते हैं। चावल के साथ साथ मिजोरम में मांस मछलियां तथा ताजी सब्जियां भी बहुत अधिक मात्रा में पसंद की जाती है। मिजोरम राज्य पर्यटन के लिए भी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक जगह है। मिजोरम में आसपास बहुत ही आकर्षक और शानदार पर्यटक स्थान हैं। तो चलिए दोस्तों, मिजोरम के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी भी है, ये मिजोरम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वैसे तो मिजोरम भारत का एक छोटा सा राज्य है और इसी वजह से यहाँ ज्यादा पर्यटन स्थल नहीं है। आइजोल मिजोरम का सबसे बड़ा शहर और मिजोरम में घूमने वाले जगहों में से सबसे प्रमुख है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आइजोल मिजोरम के एक प्रमुख संग्रहालय के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख स्थान है। आइजोल में हिमफांग, तमदील झील और चार मानी जैसे शानदार जगह है। इन आकर्षित स्थानों पर घूमकर आप अपनी यात्रा को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। इसके बाद है मिजोरम राज्य का वेटाबंग फॉल्स। मिजोरम में देखने लायक स्थानों में शामिल वेटाबंग फॉल्स मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का 13वां सबसे ऊंचा झरना है। वेटाबंग फॉल्स मिजोरम का एक आकर्षक स्थान है और यह आइजोल से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद है मिजोरम राज्य का रेइक आइजोल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेइक पहाड़ी मिजोरम की सबसे ऊंची पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान अपने यहां रोमांस करने के लिए कपल्स को आमंत्रित करता है। पहाड़ी क्षेत्र शहर की हलचल से दूर एक शांत वातावरण की खोज करने वाले लोगों के लिए ये एक आदर्श स्थान है।
ये जगह राज्य की राजधानी आइजोल से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आज इतना ही, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।